आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और मैं प्रदीप पाठक आज एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के आया हूं और डॉक्टर सुरेश के पास बैठा हूं और बता दूं कि मैं कुछ कामों से विशुंगढ़ पहुंचा हूं और विशुंगढ़ में एक बात ही मेरे कमर में दर्द हुई जिसे मैं दिखाने डॉक्टर सुरेश के यहां आया हूं। डॉक्टर हैं और हड्डी रोग स्पेशलिस्ट हैं। इनके कामों को देखकर मैं चुन इसलिए दर्शकों के बीच इनका इंटरव्यू करने के लिए मैंने सोचा। सुरेश जी आवाज देनी है टीवी पर आपका स्वागत है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि हड्डी के रोग में दर्शकों को बताएं कि किस तरह का क्यों बीमारी होती है, बताइए। ये गांव कस्बे में है, छोटा सा गांव चौथा है। इसमें हड्डी विशेषकर गांव में कैल्शियम का कमी के चलते हड्डी में दर्द होता है। यहाँ के लोग पूर्ति नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए शरीर में, वो मिल नहीं पा रहा था, तो मात्रा मिल नहीं पाता, खाना पीना पे उतना ये पूरा भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। खाना पीना के कारण ही सब कैल्शियम नहीं मिलती। कैल्शियम बनाने के लिए क्या क्या खाना? कैल्शियम बनाने के लिए चाहिए क्या? अंडा चाहिए, दूध चाहिए, केला चाहिए, हरे मिट्टी पर कुछ 50% पौष्टिक भोजन जी पौष्टिक भोजन चाहिए। उतना नहीं मिलने के चलते कमर दर्द या आर्थराइटिस हो जाता है, पैर हाथ दर्द करना, घुटना दर्द करने लगता है, ये हड्डी होता है, ये दर्द होता है। हम लोग इस पर भी रिसर्च किए थे, दर्द उर्द कर देते हैं लोग सही, लेकिन हम लोग उसको अपने कला से ठीक चढ़ाते हैं। जिसे लोग बोलते हैं कि हड्डी मुरक गया, नस मुरक गया, तो अपना कला ही एक ऐसा है मेरा जो अभी रोजी रोटी का माध्यम बना हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ, पैर मुरक गया उसको चढ़ा दिया, हड्डी हाथ नहीं उठ रहा है, इसका कैल्शियम का दवा और सी देख के उसको ठीक करते हैं। ऐसे इसमें किस तरह का दवाई, उस दवा का नाम बताएं जो? हाँ, इसमें जो है सिलिकल कैप्सूल टेबलेट है, 1000 mg का आता है, एक K3 आता है, 60 mg का है, वो भी सप्ताह में एक दिन दिया जाता है ताकि लोग शरीर में कैल्शियम भरपूर मिल पाए, दर्द हटे और वो स्वस्थ रहे। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मैं अभी आपके पास आया, अपने घर में प्राथमिक उपचार क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उस पर कुछ बताएंगे? जैसे घर पे है तो खाने में नहीं, एक पे दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, ये अपने जैसे एक बार दर्द हो गया, चोर पड़ गया, जैसे इसको कहते हैं लोग चोर पड़ गया, गाँव देहात में कहते हैं इसको, ये लोग एयर हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है ताकि वो सांस नहीं ले पाते, बहुत कष्ट में रहते हैं, तो उसको बैठ के आराम से पीछे से उसको नस दबाया जाता है, जहाँ का दर्द वहाँ पर नस हल्का हल्का दबा के वहाँ से एयर निकाला जाता है, एयर जहाँ निकलेगा दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है जी, तो वही करते हैं, ज़्यादा दर्द रहता है वही एयर पर निकालने के लिए घुमाते हैं उसको ताकि वहाँ से एयर निकल जाए, मसाज टाइप होता है, मसाज मिलने से रिलीफ भी मिलता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने में आप कुछ कठिनाई महसूस होता होगा, जैसे सुविधा जो शहरों में होती है यहाँ तो उतना सुविधा, एक तो सुविधा नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 30 सालों से सेवा दे रहा हूँ, 30 साल से यहाँ की ग्रामीण सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ का भरपूर प्यार भी मिला है हमको, बहुत प्यार मिला है, और सबको देखते हैं बिना फीस के, कोई फीस नहीं लेना है, जो भी हुआ दवा हुआ का कोई दाम दे देता है। तो ये थे डॉक्टर सुरेश, बता रहे थे कुछ नुस्खे भी बताए और कुछ लोगों को सलाह भी दिया, आगे फिर ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करें।